Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine and you are enjoying at home. Okay, so exams are going to start very soon. Read all the lessons and learn all the question answers. Yes? Do revision every day. Yes, because this is your last and final exam. You will not get time. Yes? So read the lessons properly to learn all the questions. If you have any doubt, you just call me. अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आपको ये गेट सेट कम्प्लीट करने के लिए दिया गया था टू गेट हेल्थी फूड इज दिस योर राइट एंड ड्यूटीज ट क्या है ये आपकी राइट है या ड्यूटी है टू गेट हेल्दी फूड नोट टू वेस्ट फूड टू प्ले टू प्ले फेयर टू कीप द स्कूल क्लीन टू गो टू स्कूल टू प्ले ये आप खुद से कंप्लीट करें आपको इसके आंसर लेसन वीडियो के आखिर में मिल जाएंगे ठीक है तब तक के लिए हम लेसन रिवाइज करेंगे नाउ लेट्स गो इन द लेसन जैसे कि आप जानते हैं सभी देशों में भारत में भारत हो या पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका या फिर अमेरिका हर देश में सरकार के सरकार जनता के लिए कुछ रूल्स सेट ऑफ रूल्स तय करके रखते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान कहते हैं उनमें से भारत का जो संविधान है सबसे सबसे बड़ा है, वो भी रिटर्न है लिखित में है ठीक है और हमारा संविधान लागू हुआ था भारत में ट्वेंटी जनवरी 1950 फिफ्टी को हम्म तो तब से आज अभी तक हम प्रत्येक जनवरी को ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और फंडामेंटल राइट्स मतलब आप अपने देश में आजादी से घूम फिर सकते हैं बात कर सकते हैं जिसके लिए सरकार आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स राइट देता है अधिकार देता है आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहां का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा मतलब सरकार जो कायदे कानून आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारे देश में भी वैसे ही है हमें भी मानने पड़ते हैं तो हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन तो है वो हमें कुछ बेसिक राइट देते हैं मतलब अधिकार देते हैं ठीक है जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार हम जानते हैं हमारे देश में सभी नारी पुरुष एक समान है कोई धनी ठीक है उच्च जात नीचे जात नहीं है पोर रिच कास्टिज्म नहीं है सब एक समान है दिस इज राइट टू इक्वेलिटी यह पहला अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है इसी तरह से सिक्स बेसिक राइट फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करते हैं पहला है राइट टू इक्वलिटी दूसरा है राइट टू फ्रीडम आजादी जैसे कि हमें बोलने के लिए अधिकार है हम बोल सकते हैं फ्रीली बात बात कर सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन हो काम चुन सकते हैं काम कर सकते हैं हमारी कंट्री में हम कहीं भी घूम सकते हैं हम्म और ये हमारे ये प्रोवाइड करते हैं मतलब बच्चों के लिए एजुकेशन भी फोर्टीन इयर्स तक फ्री है और ये कंपलसरी है ये भी हमारा अधिकार है हम एजुकेशन ले सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हम्म मतलब आप किसी को किसी के साथ मतलब नाइंसाफी नहीं कर सकते ठीक है खुद की बेनिफिट के लिए दूसरों को परेशान नहीं कर सकते और आपको ये अधिकार सरकार ने दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं अगर कोई आपके खिलाफ जाता है आपका नुकसान करने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप कोई भी कोई भी धर्म चुनकर उसे फॉलो कर सकते हो उसे मान सकते हो कोई भी कोई भी धर्म आप पालन कर सकते हो संस्कृति और अधिकार। माइनॉरिटीज दिस राइट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज इट अलाउज टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर ये राइट uh, right, उन अल्पसंख्यक लोगों का और उनकी संस्कृति को रक्षा करने का अधिकार देते हैं वो अपने कल्चर को आगे ले जा सकते हैं अपने धर्म को विकसित कर सकते हैं देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधान उपचारों की अधिकार द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट आर डिनाइड ये अधिकार देते हैं नागरिक को कि वो अपने अधिकार को अगर उन्हें ना मिलता है तो आपने वो कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए ये था हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे कुछ अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करते हैं इसके साथ साथ सरकार हमसे कुछ और भी चाहते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कुछ और भी अच्छा आशा करता है जैसे कि हम कुछ काम करें अपने देश के लिए अपने समाज के लिए अपने भाई बहन के लिए दूसरों के लिए हमारे देश की सुंदरता के लिए हमारे देश की अच्छी नाम के लिए ताकि सब अच्छे रहे उसके लिए हमें कुछ ड्यूटी भी करनी पड़ती है जैसे हम अपने घर पे करते हैं उसी तरह हम अपने देश के लिए भी करते हैं जैसे कि वी मस्ट अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ रूल्स है मान्य होते हैं वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है ठीक है वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम हमें हमारा राष्ट्रीय संगीत और राष्ट्रीय जो पतक देव ध्वज है उसे सम्मान प्रदान करना चाहिए और करना पड़ता है। मतलब ये ऑब्लिगेटरी है आप, आपको करना ही पड़ेगा वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट हमें हमारा जो एनवायरमेंट है उसका भी रक्षा करना है खराब नहीं करना हैिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज हमारे हमें हमारे कल्चरल uh, हेरिटेज को मतलब प्रिजर्व करना चाहिए रक्षा करनी चाहिए उनकी विकसित होने के लिए पेरेंट्स पेरेंट्स और गार्डियंस मस्ट सेंड देर चिल्ड्रन टू स्कूल ये सभी पेरेंट्स का अधिक मतलब ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए ठीक है ये सब कुछ हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है उसके साथ साथ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनता के साथ साथ सरकार को भी कुछ निर्देश देते हैं देश की जनगण के लिए अच्छाई के लिए देश की अच्छाई के लिए दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान सरकार को आदेश देता है पूछता है क्या लोगों को प्रॉपर लिविंग मिल रहा है क्या क्या हर बच्चा स्कूल जा रहा है क्या लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो यह सब कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सरकार को पूछता भी है और ये निर्देश है कि वो सरकार हमें सही सभी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझाए हम उनका फॉलो करें हमारे साथ साथ सरकार भी वो फॉलो करे दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है हमारा संविधान तो इस लेसन में हमने अभी तक सीखे देर आर बेसिक राइट्स गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन हम्म आर कॉल फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल मतलब होता हैेंटल राइट और हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजेंस हमारे हमको कितने फंडामेंटल राइट्स। दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा हमें छह प्रकार के राइट दिए गए हैं राइट टू इक्वेलिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन राइट टू फ्रीडम और रिलीजियन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंडलूशनेंटल ड्यूटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी प्रदान करते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट हमारा जो संविधान है वो सरकार के लिए भी कुछ गाइडलाइन प्रदर्शित करते हैं देते हैं दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं प्रैक्टिस एवरी डे रीड एवरीडे अगर आपको कुछ भी समझने में तकलीफ या दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन पे नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगे ठीक है हाँ बाय